नमस्ते बच्चों, मैं इस्माइल सी विजयलक्ष्मी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम भाग के बारे में बात करेंगे। भाग का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक घटाव का चिन्ह बना हुआ है, उसके ऊपर नीचे बिंदु बने हुए हैं, ये होता है भाग का चिन्ह। भाग के प्रश्न कुछ इस प्रकार के भी आते हैं। बच्चों, भाग हम क्यों करते हैं? भाग हम इसलिए करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु हो उसको बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हम भाग करते हैं। जैसा कि इसमें उदाहरण से बताया है मैंने आपको कि हमारे पास 35 ट्रॉफियां हैं, हमें 5 व्यक्तियों या आपके 5 दोस्तों को आपको इनको बांटना है, यानी बराबर 5 व्यक्तियों को आपको ट्रॉफियां बांटनी है कि वो कितनी कितनी उनके पास आएगी, इसके लिए हम भाग करते हैं। जैसा कि हमने 5 व्यक्तियों को बांटना है तो पहले हम पहली वाली संख्या यानी कितनी ट्रॉफियां बांटनी है हमको, 35। तो हम भाग का करने का तरीका एक ये भी होता है कि भाग में 35 लिखेंगे बीच में और जिससे जितने व्यक्तियों को विभाजित करना है उनको इसके एक साइड में लिखेंगे, फिर उसका पहाड़ा हम बोलेंगे कि वह कितनी बार आता है उस पहाड़े में। जैसे कि 5 का पहाड़ा हम बोलेंगे तो 35 कितनी बार आता है, 7 बार। तो ये उत्तर हम 7 इस तरफ लिखेंगे और 35 के नीचे लिखकर उसको क्रॉस करके खत्म कर देंगे, यानी हमारा भाग पूरा हो गया। बच्चों, प्रश्न कई तरीके से आते हैं, कभी प्रश्न इस तरह से भी दिखाई देता है और कभी इस तरह से भी आता है, तो आपको प्रश्न हल करना है। मैंने कुछ प्रश्न आपको यहाँ दिए हैं और एक उदाहरण भी आपको करके और दिया है, तो आपको इस तरह से हल करना है। बच्चों, जैसे प्रश्न यहाँ दे रखा है वैसे प्रश्न मैंने कुछ यहाँ भी दिए हैं, आपको इस तरह से बनाकर, जैसा कि इनमें भाग का चिन्ह बना के ये भाग दिए गए हैं, वह आपको बनाकर भाग करके मुझे भेजने हैं। धन्यवाद।